नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 10 का दंगल। आप देख रहे हैं साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। और देखिए 10 के दंगल में आज बात भड़काऊ भाईजान की, जो कि हर रोज नए नए बयान देकर किसी भी तरह बस नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमान दूसरी पार्टियों में पीछे की कुर्सियों पर बैठते हैं और उन्हें मंच पर आगे की जगह असदुद्दीन ओवैसी देंगे। पहले यादव और अब जाट समाज पर ओवैसी ने यह अटैक किया है। उनका कहना है समाजवादी पार्टी की जब रैली होती है तो मुस्लिमों को पीछे धकेल दिया जाता है और उस पार्टी में हिंदू आगे होते हैं। जयंत चौधरी के ऊपर भी यही अटैक है। उनका कहना है आरएलडी की जब भी कोई सभा होती है तो वहां मुस्लिमों को पीछे बैठा दिया जाता है, मंच से उतार दिया जाता है। मतलब विकास की करने वाले बात ओवैसी साहब, अब मुस्लिम आगे बैठा है कि पीछे बैठा है इस पर अटक गए हैं। चर्चा इसी के ऊपर करेंगे। लेकिन बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी की रैली में मुस्लिमों को पीछे बैठाया जाता है। ओवैसी जी का कहना है समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कार्यकर्ता मेरे पास आ जाएं, मैं मुस्लिमों को पूरा सम्मान दूंगा, हक दूंगा। उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों के वोट की कीमत आखिर क्यों नहीं है? आपसे भीख मांगने आओ के मुत्तहिद हो जाओ। तुम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। तुमने मस्जिद को शहीद किया। आओ जमीनुल्लाह यहाँ बैठो, तुम नेता बन जाओ, मेरी लाश पर बनो, मेरी खबर बना दो, मगर तुम नेता बन जाओ एक बार। तुम गए क्यों? ये तुम्हारा मंच है, तुम यहाँ पर आओ, मैं कंधे में बिठाने तैयार हूँ तुमको। क्या ओवैसी ने ले रखा है मुसलमानों का ठेका? किसी की माँ नहीं जनी मेरी जबान को रोक सके। मुस्लिमों की तौहीन और बाबरी का दांव फेंका। नाइंसाफी हुई दलितों के बाद तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से नाइंसाफी हुई है। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। यूपी के चुनावी दंगल में लगातार पिछड़ते जा रहे नफरती भाईजान का चुनावी एजेंडा अटक गया है। ये डरने का वक्त नहीं है, ये बेकार होने का वक्त है। पहले दूसरे दलों पर धार्मिक मुद्दों से चुनावी लाभ लेने की शिकायत करने वाले, खुद को जनता से जुड़े चुनावी मुद्दे उठाने का दावा करने वाले हैदराबादी भाईजान के पास आज खुद गड़े मुर्दे उखाड़ने के सिवा कुछ नहीं बचा है। ओवैसी का नफरती कांड जारी है और एक बार फिर ओवैसी ने बाबरी मुद्दा उठाकर मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की है। बाबरी मस्जिद की शहादत डेमोलिशन हुआ, एक कन्विक्शन नहीं हुआ, मोदी सरकार अपील नहीं करती। दरअसल कई मजनुओं से धोखा खाए इस लैला ने रुसवाई में, अब उन मजनुओं पर तोहमत का नया चैप्टर शुरू कर दिया है। ओवैसी के आरोपों की जद में एक तरफ जयंत चौधरी हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओवैसी ने उन पर मुस्लिमों की तौहीन के गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर उनको ये देखना है कि जयंत चौधरी के स्टेज पर 10 साल का जमीरुल्लाह एक एमएलए है, उसको आप धकेल देते हैं। कई ऐसे वीडियोस आ रहे कि बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं समाजवादी के, उनको पीछे बिठाया जाता है। ओवैसी ने पहले अपनी रैलियों में भी ये मुद्दा उठाया था। 10 साल के एमएलए, ये तौहीन मुसलमानों की। मुझे शिकायत जयंत चौधरी से नहीं है, मुझे शिकायत तुमसे है। तुम गए क्यों? ये तुम्हारा मंच है, तुम यहाँ पर आओ, मैं कंधे पे बिठाने तैयार हूँ तुमको। आरोप गंभीर हैं और इसका जवाब तो अखिलेश और जयंत को देना ही होगा। लेकिन इतना तय है कि भड़काऊ भाईजान को जैसे जैसे अपने हाथ से यूपी चुनाव फिसलता दिखाई पड़ रहा है, वैसे वैसे वो अपनी पॉलिटिक्स के सेंटर पॉइंट मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने का अंतिम दांव चल रहे हैं। ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, ठाकुर सम्मेलन होता है। अरे भाई, मुसलमानों की तो कोई अहमियत ही नहीं रही ना उत्तर प्रदेश में, उनकी वोट की वैल्यू की अहमियत। दरअसल एक तरफ मोदी योगी की जोड़ी विकास के एक से एक पायदान फतह कर सबका साथ सबका विकास नारे को अंजाम तक पहुंचाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश के बढ़ते गठबंधन के बीच ओवैसी को अपने लिए मुस्लिम मतदाता ढूंढे नहीं मिल रहे। साफ है ओवैसी का दावा कि वो और सिर्फ वो ही मुस्लिमों के सच्चे हितैषी हैं, उनकी खुशफहमी नहीं बल्कि सियासी मजबूरी है, क्योंकि यूपी के युद्ध में ओवैसी की मुस्लिम सियासत की भी बैंड बज गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अच्छा, समझने वाली बात यह भी है कि कहीं भीड़ में पीछे अगर कोई शख्स खड़ा है तो क्या वाकई उसकी बेइज्जती हो रही होती है या ओवैसी साहब आग लगा रहे हैं? मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ, परिचय आपका करवा देती हूं। चंद्रशेखर
नेता समाजवादी पार्टी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं मेरे साथ, इसके अलावा इंद्रजीत सिंह टीटू आरएलडी नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी सहयोगी करिश्मा सचदेव प्रयागराज से जुड़ चुकी हैं। तो सबसे पहले करिश्मा, मैं आपका ही रुख करती हूँ। करिश्मा, पीछे बैठने वाले की बेइज्जती होती है, आगे बैठने वाले को इज्जत बख्शी जाती है, ऐसा होता है क्या? स्कूल में पीछे भी तो बैठते थे ना हम लोग, पीछे की कुर्सियों पर भी बैठते थे, आगे हो सकता है कोई दूसरा बच्चा बैठा हो तो क्या पीछे वाले की बेइज्जती हो जाती है क्या? बिल्कुल शालिनी, और मुझे ऐसा लगता है कि ओवैसी के इस बयान से हम यही मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए आप किस तरीके से मुस्लिम लीडरशिप को, मैं ये कहूंगी कि एस्टैब्लिश करने की वो कोशिश कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और यही एक वजह बन रही है कि ये ठेका लेके बैठे हैं कि मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर रुझाना है और ये साबित ये प्रेजेंट करना है कि जो बाकी पार्टीज हैं वो मुस्लिम वोटर्स को लेकर चिंता में नहीं है, मुस्लिम वोटर्स की परवाह नहीं करती हैं, ये दिखाने की असुद्दीन ओवैसी जो है बार बार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर समीकरणों को समझे तो देखिए करीबन हम कह सकते हैं कि 20% मुस्लिम वोटर्स और इसके साथ ही 143 सीटों पर सीधा असर, जिसमें पश्चिमी यूपी की भी कुछ सीटें हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी कुछ सीटें हैं और तराई वाले इलाके की भी कुछ सीटें हैं। तो ऐसे में यहां पर ओवैसी का ग्राफ वो बढ़ तो रहा है, लेकिन जब ये वोट्स में तब्दील होगा कि नहीं होगा ये तो पता पड़ेगा नतीजों के बाद। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी इस पूरे मामले में मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुस्लिम वोटर्स के प्रति सहानुभूति रखते हैं और सहानुभूति की आड़ में सियासत चमका रहे हैं। हाँ, जी शाली, ठीक है करिश्मा, लौटूंगी आपके पास, लगातार आप फील्ड में मौजूद हैं, तो क्या वहां पर जनता कह रही है ये भी भली बातें आप समझ पा रही हैं। चंद्रशेखर जी, अब आपके पास मैं आ रही हूँ। सर, मुस्लिमों का वोट आपको चाहिए, एम बाई समीकरण हमेशा से आप साधते रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों को पीछे खड़ा कर देते हैं। भाई आगे बुलाइए, मंच पर बुलाइए, इज्जत बख्शिए, उन्हें माला फूल पहनाइए, आप तो ढकेल देते हैं सर, पीछे खड़ा करते हैं। शालिनी जी, अभी एम वाई समीकरण की बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। आज तो उत्तर प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, कोई ऐसा जाति, कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा पंथ नहीं है जो आज समाजवादी पार्टी के साथ ना खड़ा हो। आज कोई खड़ा है सर, पीछे खड़ा है, पर्टिकुलर समीकरण आगे बुलाना होगा, पीछे खड़ा है सर, खड़ा तो है, ये तो बोल रहे हैं वैसे ही साहब भी, लेकिन आगे नहीं बुलाते ना सर, आप धक्का देके पीछे होने भगा देते हैं, बेइज्जती करते हैं। मैं बता दूं, ओवैसी साहब के पास में, चाहे ओवैसी साहब हो या भारतीय जनता पार्टी, वो दोनों लोगों को पता है कि उनके लिए संभावनाओं की शुरुआत तभी होती है जब सांप्रदायिकता की चरम पहुंचती है। तो ये लोग अतिवादी लोग हैं, इनको हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर आप कहां पहुंच गए? ओवैसी साहब को तो उनसे शिकायत ही नहीं है, आपने सुना होगा उनका वक्तव्य, भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं की सर उन्होंने, आरएलडी समाजवादी पार्टी, बस तीसरी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। शालिनी जी, वो तीसरी पार्टी का नाम नहीं लिया, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ तो वजह होगी कि एक पार्टी को उन्होंने जबरदस्त दे रखा है कि नहीं, वो तो बड़े मुस्लिमों का सम्मान करते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जो मुस्लिमों को बहुत प्यार बहुत सम्मान करती है, उसके अलावा समाजवादी पार्टी नहीं करती है, पीछे रखती है और भाजपा आगे रखती है, ये ओवैसी साहब कह रहे हैं। तो इस पे मैं सिवाय, मैं आपकी जो दर्शक है वो सिवाय हंसने के और हम क्या जवाब दे सकते हैं, क्योंकि कोई जवाब, हर किसी को पता है कि उसका क्यों कह रहे हैं, वो क्या अर्थ कह रहे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना से कहना है कि वो सिर्फ मुस्लिमों को, कुछ लोग कुछ हिंदू के नाम पे, कोई मुस्लिम के नाम पे, उनके अंदर हिंदुइज्म और मुस्लिम इज्म का एक्सट्रीमिज्म जमा नहीं। लेकिन एक बार आगे बुला के भी तो देखिए ना, इंद्रजीत सिंह जी भी जुड़े हुए मेरे साथ। सर देखिए, आप ओवैसी साहब को दिक्कत है, आपसे भी एक बार मुस्लिमों को आगे बुला कर तो देखिए ना, धकेलिए इन दोनों को पीछे, क्योंकि अगर आगे बैठने वाले की बेइज्जती नहीं है, पीछे बैठने वाले की है, तो दो में से फिर एक की तो होगी ना सर, हिंदुओं को खदेड़िए पीछे भेजिए, मुस्लिमों को आगे बिठाइए। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी आपने कि एक क्लास के अंदर आगे पीछे, आपने स्वयं कहा है ना, ये सत्य कहा आपने, एक क्लासरूम में अगर 70 बच्चे हैं तो आगे की सीट तो 6 या 5 ही होती है ना। हाँ, हाँ। वो सारे 70 के 70 क्लास होते हैं। ठीक है चंद्रशेखर जी, इंद्रजीत जी से भी मेरा सवाल था सर, ये सवाल मैंने उनसे ही पूछा था, असल में आप दोनों से ही दिक्कत है ना ओवैसी साहब की, तो आप दोनों ही फिर दूर भी कर पाएंगे? देखिए हमारे से कोई दिक्कत नहीं है, और जो गुलदस्ता जिसको कहा जाता है, गुलदस्ता सारे फूलों से बनता है, एक फूल को आप गुलदस्ता नहीं कह सकते, पहली बात। और मैं आपको ये बताऊं कि अभी पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत मुसलमान परिवार के पूर्व एमएलए, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जो
चौधरी साहब के साथ काम कर चुके थे, स्वर्गीय चरण सिंह जी के साथ, स्वर्गीय अजीत सिंह जी के साथ, वो लौट के जयंत चौधरी जी को ताकत देने के लिए खुद बे खुद आए कि जयंत चौधरी जी आप ये मत समझे कि आज चौधरी चरण सिंह जी नहीं है, चौधरी अजीत सिंह जी नहीं है, हम भी इस परिवार के सदस्य हैं, हम आपके साथ आपको ताकत देने के लिए आए। एक बात, दूसरी बात यह कि पौने पांच साल बाद ओवैसी साहब एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ एक वकील भी है, बैरिस्टर भी है, मुझे 75 जिलों में ये अपना संगठन बताए, पौने पांच साल किस शादी में, किस सुख में, किस दुख में ये मुसलमान परिवारों के साथ खड़े रहे 75 जिलों में। इसके उनका ये कहना है, वो पहले बोल चुके हैं इंद्रजीत जी, मैं आपको बताती हूँ, पहले ओवैसी साहब कह चुके हैं कि चार बार तो समाजवादी पार्टी को हमने ही जिताया, AIMIM नेता कह चुके हैं चार बार समाजवादी पार्टी को हमने जिताया। अब जब हम देख रहे हैं मुस्लिमों की दुर्दशा हो रही है, जैसा आप लोग अपनी चुनावी रैलियों में भी करते हैं, तो फिर उसके बाद उन्हें जागना पड़ रहा है। अभी तक तो समाजवादी पार्टी को जिताया उन्होंने। अगर मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा होता तो आपको मैं कम से कम 50 फोटो मेरे व्हाट्सएप पे है आपको सेंड कर सकता हूँ जो मेरे। नहीं नहीं सर, आपके सेंड करने से नहीं होगा ना, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि आप उनको धकेल के पीछे भेज देते हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, डॉक्टर विशाल मिश्रा भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है सर, बहुत स्वागत है आपका। ओवैसी साहब को दिक्कत आरएलडी से, समाजवादी पार्टी से, वोट भी मुस्लिमों का ले लें, उनके लिए कुछ करें भी ना, बेइज्जती अलग से मिले। इस सवाल मुझसे साल ने जी, जी विशाल मिश्रा जी एक बार प्रश्न दोबारा रिपीट करिए प्लीज। विशाल जी मैं कह रही हूँ कि ओवैसी साहब ने पूरा विश्लेषण करके बता दिया है, मुस्लिमों का वोट भी समाजवादी पार्टी को चाहिए, उनके लिए करना भी कुछ नहीं है विकास के लिए, बेइज्जती अलग, हर बार हर मंच से। आप देखिए ना किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार AIMIM के द्वारा केवल और केवल 19% और केवल मुस्लिमों की बात की जा रही है। तो ये क्या है कि उत्तर प्रदेश में विशुद्ध रूप से अलगाववाद की बात है, ये विशुद्ध रूप से डिवीजन करने की बात है। और आप उसके पीछे उनकी पार्टी का नाम भी तो देखिए, उनकी पार्टी का नाम है AIMIM जी। तो वो जो नाम तो पूछना चाहता हूँ कि वो जनता को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर देते कि इस AIMIM का फुल फॉर्म क्या है, हम किसके लिए बात करते। तो इसके लिए शालिनी जी वो एएनकेएस पता है किसी ना किसी रूप में वो बार बार ये बात लाने की कोशिश करते हैं, मुस्लिम 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 वर्ग मुस्लिम वर्ग मुस्लिम वर्ग हमारा मुख्यमंत्री। अरे भाई सवाल यह उठता है कि केवल 19% की बात क्यों की जा रही है, क्या उत्तर प्रदेश में केवल 19% पॉपुलेशन है, बाकी जो जनसंख्या है, बाकी जो जनता है उनकी बात क्यों नहीं की जा रही। उनका कहना है 7-8% वाले यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो फिर 20% वाले मुसलमान क्यों नहीं बना सकते हैं मुख्यमंत्री। विशाल जी आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही है, हम उसे थोड़ा फिक्स कराने की कोशिश कर रहे हैं। दानिश कुरैशी जी अब आपके पास मैं आ रही हूँ सर। सर सबसे अंत में आपके पास मैं आई, ऐसा बेइज्जती जैसा तो नहीं फील होना चाहिए ना सर? अब शुरू में कोई होगा, अंत में कोई होगा, ये तो वो नहीं है। बिल्कुल फील होगा, आप बात असद साहब की करेंगी और अगर समझो कि उनके जो लाइक करने वाले लोग हैं उनको आप आखिर में पूछेंगी तो फिर अफसोस तो होगा। बहरहाल मैं मुद्दे पे आ जाऊं। नेता SP जो है वो हमारे कह रहे हैं कि भाई सारे लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और जो ओवैसी साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न नहीं करते। तो नेताजी आप एक बात समझ लीजिए, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देके जिताया, किसको वोट दिया, जिससे वोट दिया उसी से तो सवाल किया जाएगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया मुसलमानों ने, आप ये कह रहे हैं? नहीं आज तक नहीं दिया, बता दीजिए आप रिकॉर्ड बता दीजिए वो लोग। दरअसल मुझे तो ऐसा कई बार लगता है कि मुसलमान जो तिरस्कार का भोग बन रहा है वो इन्हीं के चक्कर में। सर कितनी सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पिछले चुनावों में, आपको पता है? इन्होंने हमारा आपको पता है कि इन्होंने बजट हमारे इलाके में इस्तेमाल नहीं किया, बिना मुस्लिमों के समर्थन के वो संभव है क्या? चौधरी इंसल्ट करने लगे, अखिलेश यादव ने एक अल्फाज नहीं कहा जयंत चौधरी को कि आपने मेरी पार्टी के नेता का ऐसा हाल क्यों किया, नाराजगी तक नहीं बताई जो हम या कम से
कम समाज एक बार इत्मीनान कर लेता कि नहीं भाई चलिए अगर जैन साहब ने कुछ बेइज्जती की किसी की तो कम से कम अखिलेश यादव ने तो अल्पास कही, वो तक कहने को तैयार नहीं है। इधर आर एल डी मोहित शर्मा की तरह कह रही है ऐसा कुछ है ही नहीं, उनका तो काम ही है हम तो धक्के लगाते रहेंगे, आप गरीब बिछाते रहिए वोट देते रहिए। मतलब ये वही चाहते हैं जैसा आजादी के पहले बाबा साहब अंबेडकर के, मुझे आगे और पीछे वाला तो पहले बताइए ना दानिश जी, दानिश जी इसी तरह लोग चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट दे और वोट के अलावा कुछ बात, ठीक है ऐसा कैसे हो सर? सर अब मेरी बात जरा आप सुनिए, जैसे आपको बुरा लगे ना मैं चौथे नंबर पर आपके पास गई, सर चार गेस्ट है किसी के पास तो अंत में जाएगा ना एंकर, चार में से किसी के पास तो अंत में जाएगा, तो आखिर वाले की बेइज्जती कैसे हो जाती है? ये पहले आप मुझे बताते ना, ये जो कह रहे हो वैसी साहब की आगे बैठने वाले की इज्जत है और पीछे जिसे खड़ा किया गया है उसकी बेइज्जती हो रही है, ये कैसे है सर? संसद में कुर्सियां लगी होती हैं तो आगे जो सांसद बैठता है उसकी इज्जत होती है और वैसी साहब की कुर्सी जरा पीछे है तो कल दिन वो ये तो नहीं कह देंगे कि मुझे सबसे आगे वाली पंक्ति में नहीं बिठाया पीछे बिठाया मेरी बेइज्जती हो रही है, ऐसा होता है क्या? देखिए आप जो है ये भारतीय जनता पार्टी और एसपी के लोग जो है चीजों को बोल रहे हैं, आप बताइए कि जो धक्का मारा गया उसमें बैठने की आगे और पीछे की तो लड़ाई कहाँ थी? वो तो आप स्टेज पे आप खुद आप वीडियो चलाइए और दिखाइए। सर ओवैसी साहब का बयान मैंने सुना दिया है, सुन लीजिए दानिश साहब, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुझे, मैं मुस्लिमों को कह रहा हूँ तुम वहां जाते क्यों, वहां तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हें पीछे खड़ा किया जाता है, मेरे पास आओ मेरी रैली में आओ कंधे पे बिठाऊंगा तुम्हें। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं, मैं सुनाती हूँ सर, मैं फिर से सुनाती हूँ, ओवैसी साहब ने क्या कहा सुनिए आप, सुनिए। जैन चौधरी के स्टेज पर 10 साल का जमीरुल्लाह एक एमएलए है उसको आप ढकेल देते हैं, कई ऐसे वीडियोज आ रहे कि बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं समाजवादी के उनको पीछे बिठाया जाता है, ये क्यों हो रहा है? हम तो ये बोल रहे हैं कि हिस्सेदारी की लड़ाई एमआईएम पार्टी लड़ रही है, आप हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे काम करेंगे। अब बहुत आपने साथ दिया, आप देखिए कितने सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, ठाकुर सम्मेलन होता है, अरे भाई मुसलमानों की तो कोई अहमियत ही नहीं रही ना उत्तर प्रदेश में, उनकी वोट की वैल्यू की अहमियत नहीं रही। तो ये जो जमीरुल्लाह की बात की ओवैसी साहब ने, ये वो वाला वक्तव्य मैंने आपको सुनाया, और इसके अलावा दानिश कुरैशी साहब ओवैसी ये कह रहे हैं कि मुझे मुस्लिमों से दिक्कत है कि तुम वहां जाते ही क्यों, मेरी रैली में आओ तुम्हें कंधे पर बिठाऊंगा, कुरैशी साहब। और उन्होंने आगे एक और भी लाइन कही कि वहां ठाकुर सम्मेलन हो रहा है, वहां ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है और मुसलमानों के वोट की वैल्यू नहीं, तो अब आप इसको किस तरीके से लेंगे ये एसपी के नेता बताएं, आरएलडी के लोग बताएं कि क्या मुसलमान सिर्फ उनके लिए सिर्फ वोट देने का साधन रह गया है या राज्य या केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स के पैसों से उन समाज का भी जवाब अब आपको देना है। चंद्रशेखर जी आपके पास भी मैं आऊंगी क्योंकि कुरैशी साहब आप दोनों से जवाब पूछ रहे हैं, और ये एमएलए को धक्का क्यों दिया गया सर, एमएलए की इतनी इज्जत है? देखिए दो बार धक्का दिया गया मंच के ऊपर, मैं आप बहुत सीनियर एंकर, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक हर कार्यक्रम के अंदर एक फोटो सेशन होता है, उस फोटो सेशन के अंदर फर्स्ट पंक्ति में जो सीनियर हाईकमान होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय महासचिव होते हैं, वो होते हैं बाई डिफॉल्ट। पता नहीं, मैं नहीं कह सकता ये हादसा क्यों हो पाया, क्योंकि वो भाई साहब भी जो दो दफा के विधायक है, उन्होंने बीच में आने का प्रयास करा, उनको धक्का नहीं दिया गया, उनको जस्ट 2 मिनट के लिए होल्ड करने के लिए कहा गया, सर 2 बार उनको धक्का दिया गया। नहीं मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, कई बार अनजाने में आदमी फोटो के लिए एक प्रयास, अगर उनको वो 2 दफा विधायक बने, 2 दफा उनको सीट दी गई, अगर सम्मान है तो 2 दफा टिकट मिले, 2 दफा विधायक हुए ना, आप सच्चाई बताइए, अगर वो सम्मान तो जनता ने दिया ना सर, विधायक तो जनता ने बनाया, सम्मानित जनता कर रही है, आप बेइज्जत कर रहे हैं। मैं टिकट नहीं दिया जाता 2 दफा, उन पे लॉयल्टी नहीं दिखाई जाती, उन पर विश्वास नहीं दिखाया जाता, तो दूसरी दफा विधायक कैसे बन जाते हैं? आपने देखा होगा समाज के तो विरोधी लोग हैं, वो आदरणीय मुलायम सिंह तो मुल्ला मुलायम सिंह कहते हैं, अरे सबसे ज्यादा अगर सम्मान कोई है अभी इसी के ऊपर रहते हैं ना सर, अभी इसी के ऊपर रहते हैं, जमीरुल्लाह को मंच के ऊपर 2 बार धक्का आखिर क्यों झेलना पड़ा, अभी इसके ऊपर ही रहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी रैली होती है उसमें चूंकि जब फोटो सेशन होता है तो सीनियर्स को आगे खड़ा करके जूनियर को पीछे कर देते हैं तो सारे जूनियर्स को धक्का लगता है, ये आप कह रहे हैं? धक्का मैं आपसे धक्का नहीं देना कह रहा, मैं कह रहा हूं ये हमारे हैं, हमने इनको ताकत दी, इन्होंने हमें ताकत दी तभी सरकार बन पाई, अंग्रेजी सरकार ऐसे नहीं बन पाई थी, भाइयों की ताकत थी, लेकिन गुलदस्ता सभी फूलों को सजा के बनता है। और दूसरी बात ये कि पौने 5 साल बीच में हमेशा एक ही फूल नहीं होगा ना सर,
गुलदस्ता अगर सभी फूलों को सजा के बनता है तो सर फूल की जगह तो इधर उधर आप करेंगे ना, या बीच में हमेशा एक ही फूल रखेंगे? मैं बताऊं आपको, मैं राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय महासचिव हूं माइनॉरिटी सेल का, मैं सिख समाज से आता हूं। अगर सम्मान नहीं है, पूरे फूल नहीं सजे हुए, तो मैं यहाँ इतने बड़े पद पे कैसे आसीन हूँ? ऐसा नहीं है, आप मुसलमान नहीं है सर, ओएसी साहब ने कहा ना आप मुसलमान नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे उनकी बात का, जिस नहीं समझ पा रहे आप टीटू साहब। माइनॉरिटी की बात, मैं माइनॉरिटी की बात, उनका कह रहे जमीरुल्लाह को इसलिए धक्का लगा क्योंकि वो मुस्लिम है, हिंदू होते तो नहीं होता। अगर इंद्रजीत सिंह टीटू अगर वहां खड़े होते सर, उनको नहीं लगता धक्का, मुसलमान नहीं है ना सर, जमीरुल्लाह को लगा धक्का। मैं आपको सवाल बता देना चाह रहा हूँ कि माइनॉरिटीज के सभी समाज के लोगों का, हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मुकेश जैन जी है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर उनका सम्मान नहीं होता पार्टी में, उनका वजन नहीं होता, तो उनको दूसरी दफा टिकट कैसे मिल जाता, वो कैसे विधायक बन जाते? ये 75 जिलों में आज तक कभी गए कोई संकल्प सर? मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है मनीष जी आपका। कुरैशी जी सुख में नहीं गए ये अच्छा, संजय चौधरी मेरे साथ बीजेपी से, संजय चौधरी जी जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा संजय जी, स्वागत है आपका। फटाफट कुरैशी साहब आप जवाब दें, फिर उसके बाद मैं संजय जी के पास जाऊंगी। मैं आपको बताऊँ, आप ये कह रहे हैं कि आप माइनॉरिटी से हैं, मैं भी जानता हूँ आप माइनॉरिटी से हैं, लेकिन इस देश में महज एक वाहिद माइनॉरिटी है जिसके स्थिति के रिपोर्ट बने हैं, बाकी के जितने माइनॉरिटीज हैं उनका प्रोग्रेस रेशियो हमने देखा है, सारी सरकारों में देखा है, और हमने बाकी एक मुस्लिम माइनॉरिटी का भी हमने प्रोग्रेस देखा है, उसके रिपोर्ट पढ़ लीजिए। तो आप जो ये दिखा रहे हैं ना बैलेंस करने की कोशिश कि मैं माइनॉरिटी से, आप माइनॉरिटी में है मैं जानता हूं, लेकिन जो कम्युनिटीज कम्युनिटीज का डिफरेंस आप देखेगा तो समझ में आ जाएगा, और ये पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन। कुरैशी साहब आपका हक दिला पाएंगे, भरोसा उनके ऊपर है? बिल्कुल, अब तक इतना भरोसा किया है तो एक बार भरोसा करके देख लेना चाहिए, परेशानी क्या है? अच्छा, आपको 24 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा, 75 जिलों में संगठन खड़ा करना पड़ेगा, सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा, पौने 5 साल बाद आएंगे तो आके दूसरों को हक की बात करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। समाज बहुत पढ़ा लिखा है, मुसलमान बहुत कार्य के पैसा चलेगा, बड़े इंडस्ट्री के पैसा चलेगा, आप हमारा सोशल डिस्क्रिमिनेशन करके पैसा चलेगा, आप हमारा सोशल डिस्क्रिमिनेशन करके पैसा चलेगा, आप हमारा सोशल डिस्क्रिमिनेशन करके पैसा चलेगा, मतलब चलेगा तो आप चाहिए और हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन का राइट मांगेंगे तो वो भी चलेगा। 5 साल वो पेशेंट नहीं है, पहले दो बार कर रहे हैं जी, ये पेशेंट नहीं की हाल है, आप पूरे आवाज को ये कह रहे हो ऐसा नहीं चलेगा, सुख में भी नहीं, आप ये कह रहे हो शामिल होने को भी ऐसा नहीं चलेगा, ये दर्द है, ये दर्द है कुरैशी साहब का, और मुझे लगता है यही ओएसी साहब का भी दर्द है। और जवाब अब सपा और आरएलडी दोनों को देना होगा। चंद्रशेखर जी देखिए, सालनी जी मैं एक बात बताऊं कि यहाँ कोई दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक, हम ये नहीं कहेंगे कि किसकी निगाह बकुले की है कि किसकी है, आप खुद समझ सकती हैं, जनता समझ लेगी। इनके दिमाग में बस एक ही चीज का दर्द है कि ये जिस तरह से बंगाल में मुस्लिमों ने घास नहीं डाला, उत्तर प्रदेश में ये घूम रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, और सब इन सिंह के मुंह पे कह रहे हैं कि भाई इस बार वोट सपा के अलावा कहीं नहीं देना, आप आओ आपका स्वागत है, आपको हम चाय पानी पिला देते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन वोट तो सिर्फ एक जगह जाएगा, वो है सपा आरएलडी गठबंधन को। चूंकि इनको यह स्पष्ट हो गया है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश फिर से पूरी तरीके से जाति धर्म से बाहर निकल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है, सपा आरएलटी और हमारी गठबंधन की टीम को पूरा मूड बना चुकी है। एक-एक अच्छा निशाना आपके ऊपर ओएसी साहब साथ हैं, जवाब आप देते हैं बीजेपी को। संजय चौधरी जी ओएसी साहब और एआईएमआईएम बीजेपी की बी पार्टी है, अब कहा यही जा रहा है कि देखिए मुस्लिमों की बेइज्जती करने का ठीकरा भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के ऊपर ही ओएसी साहब ने फोड़ा, बीजेपी को कुछ नहीं कहा। देखिए दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी हो, और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होने के कारण ही ये हुआ कि मुसलमानों की तरक्की नहीं हो पाई, मुसलमान आगे नहीं बढ़ पाए। मुसलमानों ने जिनको भी अपना हुक्मरान चुना है
वो चाहे ये बात करते हो कि 400 साल इस देश पर हुकूमत की, हुकूमत करने के बाद भी मुसलमान अगर खड़ा है, मुसलमान अशिक्षित है, मुसलमान आगे नहीं बढ़ पाया है, अपने शासन काल में भी नहीं बढ़ पाया है। मैं तो कहता हूं कि 400 साल शासन की बात करते हैं, मुसलमान मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, ऐसे राजनीतिक दल के चुंगल से जब तक मुसलमान नहीं निकला जाए निकलेगा तब तक मुसलमान चला जाएगा, मुसलमानों की तरक्की नहीं होगी और मुसलमान ऐसे लोगों के लिए यूज होगा और यही लोग उसको कभी पत्थर पकड़ाते हैं, कभी आतंक की राह दिखाते हैं, कभी अपराध की तरफ। लेकिन आपको अभी तक मुसलमान ने चुना उत्तर प्रदेश की या नहीं चुना? क्योंकि कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो पिछली सरकार भी आपकी बनी है योगी आदित्यनाथ वाली, उसमें एक भी मुस्लिम ने वोट नहीं दिया आपको। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए आगे बढ़कर काम किया है, चाहे अटल जी ने विदेश के लिए उनकी परमिट की व्यवस्था की हो, चाहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के आने के बाद उनकी एजुकेशन में चेंजेस आए हो, मदरसों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षा हो, मोदी जी ने उनकी सबसे बड़ी समस्या जो मुस्लिम तलाक की समस्या थी उसका समाधान किया, और योगी जी ने इस उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करके मुसलमानों को एक सुरक्षा दी है। तो वास्तव में मुसलमानों को बरगला कर, मुसलमानों को अपराध आतंक और अशिक्षा के आधार पर जो लोग इस्तेमाल करते हैं वही मुसलमानों के। लेकिन रैलियों में आप मुस्लिमों को आगे खड़ा कराते हैं सर या पीछे? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना सिख ईसाई है। हमारा काम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर आधारित है। हम उत्तर प्रदेश की जनता को बांट कर नहीं देखते। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक उसका नागरिक है और उसकी सुरक्षा करना, उसको विकास, मतलब मुसलमान भी आगे खड़ा होता है आपकी रैलियों में, मुस्लिम आगे खड़ा होता है ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तेजी के साथ जुड़ रहा है, इस उत्तर प्रदेश का परिणाम बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कामों के आधार पर मुसलमानों में भी एक भ्रम की एक जो स्थिति थी वो अब दूर हुई है। मतलब कि आगे खड़े होना रैली में, पीछे खड़े होना, ये चीजें आप ध्यान नहीं देते? नहीं नहीं, वो देखिए कहीं भी खड़े हो उत्तर प्रदेश के नागरिक के रूप में हम देखते हैं, लेकिन हम मुसलमानों से निवेदन करते हैं कि जो उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें यूज करते हैं और यूज करके अपने राजनीतिक हित का लाभ लेते हैं, उन्हें मुसलमानों को कम से कम उन नेताओं से दूर रहना चाहिए। टीटू साहब, निशाना तो आपके ऊपर है। देखिए देखिए, देश के राष्ट्रपति कौन रहे? अब्दुल कलाम साहब। उपराष्ट्रपति कौन रहे? हमीद साहब। अब ये संजय भाई पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं या इनकी याददाश्त हो गई है, मैं उस पर तो नहीं कहना चाहता। हमारा मकसद है कि सब समाज के बिना गुलदस्ता नहीं बनता, और कोई भी चुनाव चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे पार्षद का हो और चाहे मेयर का चुनाव हो, सब समाज के सहयोग से चुनाव जीते जाते हैं। आप पौने 5 साल ये संजय भाई ने क्या कर रखा है, अपनी बात ओवैसी साहब के मुंह में डालकर, अच्छा, उनकी टीम के मुंह में डालकर अपनी बात कहते हैं, अपने मुंह से कुछ नहीं कहते हैं। तो ये जो गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता सारे फूलों से सजेगा, सबका समावेश होना चाहिए, ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और आप साथ रहते नहीं है। आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है संजय भाई, आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। आप जो कह रही है वो दिखाया भी कीजिए कि आप जो कह रहे हो करके भी दिखा रहे हो। ये आपको याददाश्त बुलडोजर रखिए, सबसे ज्यादा बुलडोजर कहाँ चले हैं? कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। आप तो कह रहे हो सम्मान नहीं मिलता मुसलमानों का, आपके सबकी सहमति थी तभी तो बने कलाम साहब। अब क्या अमीर साहब उपराष्ट्रपति बने, उसकी सहमति थी, अटल जी सहमति के बाद ही तो बने। अटल जी के नहीं, पर समस्या तो टीटू साहब यहाँ पर ये भी हो सकती है ना कि कलाम साहब को कितने नंबर पर राष्ट्रपति बनाया गया? इज्जत बख्श नीति तो पहला राष्ट्रपति जो बना था वो मुस्लिम बनना चाहिए था, पहला प्रधानमंत्री जो बना था वो मुस्लिम बनना चाहिए था, अब आपने बाद में बनाया तो कहाँ इज्जत बख्शी? कुरैशी साहब मामला यही है। देखिए बात ये समय आने पर ही सब चीजें होती है, दानिश कुरैशी, समय की तागा होती है, देखिए अभी आने पर ही सब चीजें मिलती है।
के लिए सम्मानित है जो है सबके साथ सम्मिलित करके भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरीके के अल्फाज बुलवा रही है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आप मुसलमान एमएलए को धक्के लगाइए? अगर ये बात सही है तभी अगर कोई राजनीतिक नेता बोलेगा। दूसरे नंबर की बात, अभी एसपी के नेता कह रहे थे कि भाई समाजवादी पार्टी को सारे समाज का समर्थन हासिल है। तो नेताजी आप इंतजार कीजिए, परिणाम के दिन जो है आप देखेंगे। अगर आपने जिसकी 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 जितनी आबादी है उनको उसकी हिस्सेदारी देने से परहेज किया तो आप परिणाम के दिन अफसोस करेंगे। ये 100% बात रही। आप भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी ने किया मुसलमानों को तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर जो लोग शासन में आ रहे हैं उन लोगों ने भी कम्युनिटी का भला नहीं किया। और अब सवाल यही है कि अब इसका समाज का आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक विकास कब होगा, किस तरीके से होगा, क्या ब्लूप्रिंट है? अगर आरएनडी के पास है तो वो रखे, अगर समाजवादी के पास है तो वो रखे। लेकिन दिक्कत ये है कि आप ये चाहते हैं कि गरीब बेचारे के लिए मुसलमान आ जाए, ठीक है, अपने विकास की हिस्सेदारी मांगने के लिए वो आए नहीं। और हम लोगों के साथ अव्वल ये हुआ कि भाई जिस जिस पार्टी को वोट दिया समाज ने उसी पार्टी ने उनके साथ धक्केबाजी की। अब आप बताइए अगर वहां पर ओवैसी साहब की पार्टी मौजूद है तो एक बार उनका भी टेस्ट कर लेते, परेशानी क्या? उन्होंने तो कहा कि आप आइए, आपकी पार्टी आप संभालिए। मुझे ये बताइए टेस्ट इसलिए करना ताकि हिंदुओं को खदेड़ के पीछे कर दिया जाए, मुस्लिमों को आगे कर दिया जाए? क्योंकि स्ट्रैटेजी उनकी क्या है ये समझ में आ गई है। आगे जो है उसकी इज्जत है, पीछे वालों की बेइज्जती है। धक्के मार के हिंदुओं को पीछे भेजो, मुस्लिमों को आगे लेकर के आओ, इसलिए एक बार परख लिया जाए। आप कह रहे हैं मामला तो यही है ना सर, अब सपा की रैली होती है, आरएलडी की रैली होती है तो मुस्लिमों को पीछे भेज दिया जाता है। तो भाई ओवैसी साहब की रैली होगी या तो हिंदुओं की उसमें जगह नहीं होगी और हिंदू खड़ा होगा तो उसको धकिया के पीछे कर दिया जाएगा। सबका सहयोग जरूरी है। पहले तो ये संगठन खड़ा करे पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में और सुखमय और दुखमय जाना चालू करे। मामला मुझे यही समझ आ रहा है डॉक्टर विशाल मिश्रा, ओएसी को एक बार परख लो। कुरैशी साहब कह रहे हैं एक बार परख लिया तो फिर सर धक्का मार के हिंदुओं को पीछे भेज दिया जाएगा, तस्वीर तो दिखाई दे ही गई है। देखिए सालनी जी, जो 70 सालों में पिछले तुष्टिकरण किया गया है आज ओवैसी उसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पहले कांग्रेस ने तुष्टिकरण किया, आपको याद होगा कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था यूपीए कार्यकाल में कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। याद करिए कि किस तरीके से शर्म अल शेख में जाके दस्तखत किए गए थे और किस तरीके से क्लीन चिट दिया गया था। और आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने ही तो मुस्लिम तुष्टिकरण को पल्लवित किया, अपने घोषणा पत्र में MOI की बात की, मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात की, वोट बैंक की तरह यूज करते रहे। अब AIMIM निकल कर आया है कि नहीं देखो कांग्रेस को छोड़ो, सपा को छोड़ो, हम तुम्हारे असली लीडर हैं, हमको पहचानो। तो ये उसी तुष्टिकरण की कार्ड को यहां पर फिर खेला जा रहा है। अब ये बार बार कहना उत्तर प्रदेश में कि 19%, 19%, 19%, अरे मान्यवर अपनी पार्टी का नाम तो जरा दानिश कुरैशी जी बताइए फुल फॉर्म पब्लिक को, AIMIM जरा फुल फॉर्म बताइए और जनता को बताइए कि आप किसकी बात करते हैं, क्या आप सबको लेकर चलते हैं? आपके तो पार्टी के नाम के अंत में ही मुसलमान लगा हुआ है, आप तो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग धर्म की बात कर रहे हैं। ये तो सरासर पब्लिक को लोकतंत्र में आप धोखा दे रहे हैं ना। आप किसको आगे और किसको पीछे लाने की बात कर रहे हैं? आप कहिए ना कि आप साफ साफ अलगाववाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। आप समावेशी बात कर रहे हैं, अगर समावेशी बात कर रहे होते तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है, उसमें से केवल टारगेट करके 19% मुस्लिम पॉपुलेशन से आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे नेता हैं, हमको पहचानो। मान्यवर हमें आप ये बताइए अगर अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये कह दे कि हिंदुओं पहचानो, हम तुम्हारे असली नेता हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी को सेकुलर कह देंगे कि देखिए ये सांप्रदायिकता फैलाते हैं, कम्युनल है, अपने आप को आप बहुत बड़ा सेकुलर कहते हैं, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस दिन से चुनाव की शुरुआत हुई है कि 19% हम तुम्हारे रहनुमा हैं, मुस्लिम मुख्यमंत्री, मुस्लिम को चुनो। बार 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 दानिश जी से मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आप ये तो खुल्लम खुल्ला कम्युनलिज्म है भाई। अब
दानिश कुरैशी आप संविधान लेते हैं जो जो सवाल पूछा विशाल मिश्रा ने उस सवाल का ही जवाब दीजिए कि हम सेकुलर हैं। मैं जवाब दूं, मिश्रा जी अब मैं जवाब दूं। सुनिए, अब सबसे पहली बात तो आपने बात कही नाम की, तो देखिए नाम का जो पूरा प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन में पूरा प्रोसीडिंग होके जब कमीशन छोड़िए आप तो नहीं है, आप सुन लीजिए मिश्रा जी आपका प्रॉब्लम है आपका वन टू वन। अच्छा आप बोल लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए हमारा आपका वन टू वन। क्या ये MIM वही पार्टी नहीं है AIMIM जो आजादी के पहले 1920 के दशक में बनी थी? MIM किस लिए बनी थी जरा बताइए, आजादी के बाद इसके नाम के आगे AI ही तो ऐड हुआ। तो कहने का मतलब ये है जो जड़ें हैं वो जड़ें तो वही हैं, तो बात तो वही होगी जिस तरीके से हैदराबाद में जवाब लेते हैं सर। दस सेकंड आप उत्तर देना। तो जिस तरीके से वो हैदराबाद में क्रिएट किया गया था रजाकारों द्वारा, आजादी के बाद AI ही तो है, तभी तो बार बार मुस्लिमों की बात की जाती है, क्यों पूरी सबकी बात होती है। ठीक है दानिश कुरैशी, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस देश में शिवसेना थी, आपका अलायंस था उससे, उसके नाम से परहेज नहीं है? उत्तर प्रदेश में राजभर समाज जो सवाल पूछा है डॉक्टर विशाल मिश्रा ने उसका सीधा जवाब पहले दे दीजिए, फिर अपने सवाल दाग लीजिएगा। पहले जो सवाल पूछा है उसका जवाब देके ही तो अगले सवाल पर आप जाएंगे ना सर। वो सारी चीजें नहीं, और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं, तो ये जो हिंदू महासभा के जो विरासत में मिली है संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी, ये इंडियन मुस्लिम लीग के साथ आजादी के पहले लाहौर में भी और बंगाल में अलायंस सरकार चला रही थी, उस पर तो कभी आपने सवाल नहीं किया। तीसरे नंबर की बात, आप बात कर रहे मिश्रा जी 19% मुसलमानों की, तो इस देश में सबसे ज्यादा खस्ता हालत अगर किसी की हुई है तो वो यही वर्ग है जिसकी हालत खराब हुई है, और अगर सबसे पीछे जो वर्ग है उसको एक समझदार व्यक्ति जिसे नेता कहा जाता है हमारे राजनीतिक भाषा में, अगर वो उसको आगे ले जाने की बात करता है तो ये आपको कम्युनलिज्म लगता है? बताइए, तो सच्चे कमेटी का रिपोर्ट कम्युनलाइज है और दूसरे सारे रिपोर्ट जो है वो सारे कम्युनलाइज रिपोर्ट है, तो सरकार ने निकलवाए हैं समझ नहीं पाए। मैं इसके ऊपर दोबारा आ जाती हूँ, मेरी सहयोगी प्रिया इस वक्त वाराणसी से जुड़ी हुई है, उनका मैं जरा रुख कर लेती हूँ। प्रिया वाराणसी में आप मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी अक्सर ही आते जाते रहते हैं और उन्हें देखने के लिए ना बड़ी संख्या में प्रिया वहां पर लोग भी इकट्ठा होते हैं, पीछे जिस जात के लोग खड़े होते हैं, मैं नहीं जानती धर्म तो मुझे नहीं पता कि वो हिंदू होते हैं या मुस्लिम होते हैं, लेकिन पीछे जो लोग खड़े होते हैं उनकी क्या बेइज्जती हो रही होती है वहां पर? या आप मंदिर के भी आगे मुझे अभी खड़ी दिखाई दे रही हैं प्रिया, मंदिर में भक्त जाता है तो आगे जो खड़ा होकर दर्शन कर रहा होता है उसकी बड़ी इज्जत हो रही होती है मंदिर में, पंक्ति में पीछे खड़े होकर मंदिर में जो दर्शन कर रहा होता है भगवान का उसकी बेइज्जती होती है प्रिया, बताइए। देखिए शालिनी, यहाँ पर सिर्फ राजनीति हो रही है और यही काम करने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। दरअसल उनको उत्तर प्रदेश में अपना एक जनाधार मजबूत करना है और इसीलिए इस तरीके की अनर्गल बातें जो है वो कही जा रही है असदुद्दीन ओवैसी की ओर से। अभी अगर हम प्रयागराज का एग्जाम्पल दे, माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना, उसमें कम से कम 13 मुस्लिम परिवारों को भी घर दिया जा रहा है, 75 आवास बन रहे हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम की जो बात कम से कम ओवैसी कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी ये जानता है कि कम से कम असदुद्दीन ओवैसी तो उनके मसीहा नहीं है। और देखिए खास तौर पर शालिनी, सपा को मुस्लिम्स का ज्यादा सपोर्ट रहता है और इसी बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी अब अपने नंबर बनाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कहीं उनका जनाधार फिसल ना जाए और उनका जो हाल है वो बंगाल की तरह ना हो जाए, और इसीलिए इस तरीके की बातें तमाम कही जा रही हैं। जब जब प्रधानमंत्री आते हैं हम देखते हैं उनकी रैलियों में भारी तादाद में जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी आती हैं, वो भी लाभार्थी हैं, उन्हें भी हर योजना का लाभ मिलता है। और देखिए जब भी कोई सरकारी योजना आती है वो जाति धर्म देख के उसका लाभ नहीं मिलता है, बल्कि वो हर जो योग्य व्यक्ति होता है हर उस व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और देखिए प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कुरान के साथ साथ गीता और गीता के साथ साथ लैपटॉप भी हाथ में सबके होना चाहिए, ये बात प्रधानमंत्री कहते हैं, इससे विजन पता चलता है। कुल मिलाकर शालिनी यहाँ पर ओवैसी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में है, लाइमलाइट लूटने की कोशिश में है। ठीक है, और उन्हें लग रहा है कि इस लिहाज से उन्हें मुस्लिमों का वोट भी हासिल हो जाएगा। शुक्रिया प्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब इंद्रजीत जी मुझे शॉर्ट में आप जरा ये भी बता दें, क्योंकि जमीरुल्लाह को धक्का दिया गया आपके मन से और उन्हें न्योता आप दे रहे हैं ओवैसी साहब, तो इतनी बेइज्जती आपने की है, अब जो गिने चुने आपके साथ लोग हैं उन्हें भी ओवैसी अपने में शामिल कर लेंगे सर, काम कैसे चलेगा? चुनाव तो आ गया। मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ चंद दिनों में हमारा संगठन
का जो जैन जी ने बनाया अभी तक, अभी थोड़ा कम बनना है और है, उसमें हमारे पास बराबर की मुसलमान भाइयों की भागीदारी है, राष्ट्र के संगठन में भी, प्रदेश के संगठन में भी और महानगर और जिलों में। दूसरी बात, अभी जितने भी टिकटें हमारे हिस्से में आएंगी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल फोकस करा हुआ है कि बराबर का सम्मान, सभी जाति सर्व धर्म को लेकर टिकटें बांटी जाएंगी। आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसमें मंथन चल रहा है, आपको दिखाई देगा कि हम मुसलमान भाइयों का सम्मान करते हैं या उनको धक्का देते हैं। आदमी किसी ने नाई की दुकान पे गया, उसने पूछा मेरे सिर पर बाल कितने हैं, उसने कहा अभी काटे देता हूँ पता लग जाएगा। तो बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, हफ्ते दस दिन की बात है, आपको सुनो तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुम नहीं समझ रहे हो, पर मुझे दिखाई दे रहा है, सुनो मुसलमान भाई हो, इतने साल से उत्तर प्रदेश में हर बार तुम्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तुम नहीं समझ रहे, पर मैं समझ रहा हूँ, मेरे पास आ जाओ, कोई जा नहीं रहा सर। अब जमीरुल्लाह का भी अभी तक तो कोई वक्तव्य मेरे पास तो नहीं आ पाया सर, आपकी अलग से कोई बात हुई हो या आपकी पर्सनल बातचीत हो, मैं नहीं जानती सर, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिलहाल तो जमीरुल्लाह नहीं जा रहे आरएलडी छोड़ के ओएसी के पास। देखिए बात ये है शालिनी, मैं आपको बताऊं, उनके जाने नहीं जाने की बात या किसी के भी जाने नहीं जाने की बात, वो अपनी उनकी व्यक्तिगत मर्जी होगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी नेता, मेरी बेइज्जती होगी तो पहले तो मुझे पता चलेगा ना, अगर सामने वाला मेरी बेइज्जती कर रहा है तो पहले मैं उसे भापूंगी, एहसास मुझे होगा या पहले आप समझ जाएंगे? सवाल तो यही है ना कि ये पार्टियों के अंदर में उन्हें इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि वो अपना डिग्निटी मतलब मेंटेन किस तरह हो रही है वो आप देख लीजिए। अच्छा ये भी आपको ही पता है, अच्छा ये भी आपको ही पता है, अगला इतना ना समझ है, नहीं वो एमएलए तो बन सकता है सर, वो विधायक भी बन सकता है, दो दो बार बन सकता है, जनता जनता से वोट ले सकता है, लेकिन उसकी बेइज्जती हो रही है ये समझ नहीं सकता कुरैशी साहब? ये कह रहे हैं कि अगले की बेइज्जती हो रही है उसे नहीं पता है, ओवैसी साहब को तस्वीर देखकर पता चल गया, और अब वो निमंत्रण दे रहे तब भी नहीं जा रहा, आप ऐसा कह रहे हैं? मेरा अच्छा निमंत्रण स्वीकार करना जिनका काम है वो करे, लेकिन सवाल ये है मतदाता जो है, वोटर जो है, समाज जो है वो देख रहा है। सर सवाल ये है कि रैली में मैं पीछे खड़ी हूँ तो पहले मुझे पता चलेगा ना मेरी बेइज्जती हो रही है, पहले आपको पता चल जाएगा सर? आप तो क्लासरूम में जाके बच्चों को भड़का देंगे कि पीछे वालों फीस तो तुम भी उतनी दे रहे हो, तुम्हें पीछे क्यों बिठाया गया है, अच्छा तुम किस धर्म के हो जरा बताना, तो धर्म नहीं पता चलेगा, आप बच्चों की जात पूछ क्यों उन्हें भड़का देंगे सर? ये आगे पीछे का मामला क्या, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इतनी देर से, आगे पीछे क्या होता है, पीछे बैठने वाले की बेइज्जती है, भड़काने की कोई बात भूल जाइए, अगर आप किसी की बेइज्जती या मैं किसी की बेइज्जती करूंगा उसके बाद मेरा वहां रहना कितना मुनासिब है वो अगर मैं नहीं समझता तो आवाम तो समझती है, चुनाव के दिन इनको परिणाम जिस दिन आएगा तो दिन उसी आवाम को तो भड़का रहे ना, वैसी साहब उसी आवाम को तो भड़का रहे हैं संजय चौधरी। अच्छा संजय चौधरी जी, सर आपके पास मैं आ रही हूँ, सर मैं पहले भी समझना चाह रही थी आगे कौन खड़ा होता है पीछे कौन खड़ा होता है, और इसके साथ मैं ये भी समझूंगी आपसे चौधरी साहब कि ऐसा होता है क्या कि फोटो सेशन जब होता है, क्योंकि बीजेपी की भी रैलियां होती हैं सर, अब मुझे टीटू साहब ने बताया फोटो सेशन जब होता है ना हर कोई आगे आना चाहता है लेकिन सीनियर को ही आगे खड़ा किया जाता है, जो थोड़ा जूनियर होता है उसे पीछे कर देते हैं, तो उसमें धक्का मुक्की हो जाती है कभी कभी, तो आपकी रैलियों में ऐसा कितनी बार होता है संजय चौधरी? देखिये भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा होता है कि जो सबसे पीछे खड़ा होने वाला कारीगर रहता है प्रधानमंत्री उसके पास जाकर फूल बरसाते हैं और उसके बीच में बैठ के ही उसको फोटो खिंचाते हैं। ऐसा ही होता है कि प्रधानमंत्री जो स्वच्छकार है जो सफाई का कर्मचारी है उनके बीच में जाते हैं और उनके पांव धोते हैं, तो ये दोनों के बीच में अंतर है। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के बाद यूज एंड थ्रो की जो स्थिति है वो विपक्ष ने फैला रखी है, उनके विकास से मतलब नहीं है। उनको निकाल कर फेंक देना, उनकी बेइज्जती करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, दल की ये जानी पहचानी मंशा है
इसीलिए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल मुसलमानों का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन मुसलमानों के विकास के लिए एक भी कदम आगे नहीं बढ़ते। मुसलमानों का इस्तेमाल तो करते हैं सर, राजनीतिक दल मत बोलिए ना, फिर साफ साफ बोलिए कौन करता है इस्तेमाल। नेतृत्वकर्ताओं के लिए निश्चित रूप से सजग हो जाना चाहिए जो उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। और सर कौन करता है, समाजवादी पार्टी करती है? सर कौन करता है चौधरी साहब मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर? समाजवादी पार्टी करती है, ठीक है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ओबेसी साहब हो, इन सब ने मुसलमानों को केवल इस्तेमाल किया है हिंदुओं के प्रति भड़काने का। चंद्रशेखर जी ओबेसी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का आपने इस्तेमाल किया है। अब बीजेपी प्रवक्ता जो मेरे साथ यहाँ बैठे हैं वो भी बोल रहे हैं। चंद्रशेखर जी, कुरैशी साहब, मैं बहुत वक्त आपको दे चुकी हूँ सर, सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया है मैंने, बाकी जो गेस्ट है उन्हें भी बोलने दीजिए। चंद्रशेखर जी, शालिनी जी, मैं एक बात बताऊं, समाजवादी पार्टी की निगाह में जाति धर्म का दो ही वर्ग केवल है, एक गरीब है दूसरा अमीर है। अच्छा। एक शासक है दूसरा जो शोषित है पीड़ित है उनमें से है, इसके अलावा और कोई दूसरा धर्म नहीं होता और कोई जाति नहीं होती है, उसके अलावा सब राजनीति है। समाजवादी पार्टी के अलावा साइकिल और गाड़ी है, साइकिल वालों को मुआवजा मिलता है, गाड़ी वालों को मुआवजा नहीं मिलता है। सारा विकास परिवार के लिए होता है, सारी इमारतें सफाई में खड़ी होती है, सारा धन सफाई में जाता है और जो बचा होता है वो इत्र में लग जाता है, यही है समाजवाद। आपका सेल्फ बाउंस हो चुका है चौधरी साहब, आपको मालूम है, आप ही का पैसा आप ही ने पकड़ के ले गए अपना, आपके चिंता इतना जो बचा हुआ है इसीलिए बचा हुआ है। समाजवादी पार्टी तो बड़े हैप्पी हैप्पी है, आप मम्मी जान साहब की फोटो भी देख लीजिए, बड़े खुश है वो, इस सब भाजपा वालों के चेहरे उड़े हुए हैं कि ये पम्मी जी के पम्मी जी के चक्कर में कहां पहुंच गए वो अपना ही पैसा उठा करके ले गए, वो आधा तो आपने वापस कर भी दिया चौधरी साहब, 400 करोड़ में से 200 करोड़ तो उनका वापस कर दिया आपने, सिर्फ 200 करोड़ ले जा पाए, तो रोना पीटना तो आपके यहाँ है। हमारे पम्मी जैन साहब तो एकदम मुस्कुरा रहे हैं, खुश रहे, वो तो हैप्पी हैप्पी है कि भाई हमारे चक्कर में कम से कम जैन जैन के कंफ्यूजन में भाजपा ने अपना ही सुबाड़ा साफ कर दिया, अपना ही 200 करोड़ छापे में डलवा दिया, बैंक में जमा करा दिया, सर ये आपके चुनाव है। तो ये सब आपका विचार है, आपकी समस्या है, हम तो उसी दिन जीत गए जिस दिन पम्मी जी जैन के चक्कर में आपने अपने भैया मुसलमानों को यूज करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और उनको देते कुछ नहीं है, जब देने की बारी आती है तो सैफई के पेट में भर जाता है। हम इस्तेमाल करते हैं, आपके निगाह में दुश्मन या किसी के भी निगाह में मुस्लिम कोई दोस्त हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं, हमारे निगाह में और विशेष रूप से इस नई समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निगाह में सिर्फ और सिर्फ गरीब है अमीर है जो शोषित पीड़ित नई समाजवादी पार्टी। चंद्रशेखर जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे लिए ये जो नई समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, मतलब पहले ये होता था, आप कह रहे पुरानी समाजवादी पार्टी में होता था, विशेषकर मैं नई समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। शालिनी जी, पुरानी समाजवादी पार्टी का मतलब मैं मुलायम सिंह की बात समझो, आप कह रहे हैं एक राजनीतिक, देखिए मैं एक राजनीतिक दल से हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मेरे शब्दों का मतलब होता है, मैं साफ कह रहा हूँ कि क्या है कैसे है। आपने नई समाजवादी पार्टी कहा ना सर, नई समाजवादी पार्टी का तो गठन हुआ नहीं है, चली तो वो पुरानी आ रही है, तो मैं तो पूछूंगी ना सर कि अखिलेश यादव मतलब नई समाजवादी पार्टी और पुरानी समाजवादी पार्टी में ये होता था? दानिश कुरैशी साहब सर क्लोजिंग रिमार्क, पुरानी समाजवादी पार्टी में होता था मुलायम सिंह के वक्त में, अखिलेश में नहीं होता है सर, तो ओवैसी साहब को आरोप आप लगा रहे ना, गलत है। चंद्रशेखर जी से मैं नहीं कहना चाहूंगा, वो अभी गिना रहे थे कि समाजवादी पार्टी की नजर में दो ही परिभाषाएं, अमीर है गरीब है, शोषित वंचित है, इसी तरह एक ही मुख्यमंत्री है, कार्यकर्ता है वो अपने पार्टी के कार्यकर्ता आजम खान तक को मतलब डिफाइन नहीं कर पाए। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो आतंकवादियों तक को जमानत दिला दी, प्रज्ञा ठाकुर जैसे आरोपित जो महिला थी उसको भी, तो प्रॉब्लम इनका ये है कि बाकी मुस्लिमों के तो छोड़ दीजिए, इनकी पार्टी के जो नेता थे जो सियासत का शिकार हुए, वेंडेटे का शिकार हुए, उसको तक नहीं बचा पाए, और ये प्रदेश में मुसलमानों की हिमायत की बात कर रहे हैं, उनको सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, हंसी आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। 10 का दंगल में फिलहाल वक्त इतना ही, लेकिन अब जनता ये तय करेगी कि क्या वाकई आगे खड़ा होने वाला इज्जतदार होता है और पीछे खड़ा होने वाला जो है उसकी बेइज्जती हो रही है, और खासकर तब कि अगर ओवैसी आ गए तो फिर तो हिंदुओं को खदेड़ा जाएगा ना, पीछे उन्हें खड़ा किया जाएगा, उनकी बेइज्जती होगी।